खबर कर्नाटका से है, जहां कांग्रेस के सीनियर सीएलपी लीडर सिद्धारमैया का 75वां जन्मदिन मनाया गया। वहीं इस मौके पर डीके अशोक कुमार, केजी जॉर्ज और कांग्रेस के सभी लीडर मौजूद रहे। खबर बेंगलुरु से है, जहां जेडीएस के सीनियर लीडर जनाब जफरुल खान ने अपने चाहने वालों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं और इस महीने में वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, भाइयों और मेरे चाहने वाले जो भी हैं, हर किसी से एक खास खसूसी अपील। आज के हालात इस देश और रियासत को मद्देनजर रखते हुए और ये बिलखसूस ये महीना मुझे बिल्कुल खुशी मनाने की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस साल कोई भी मेरे जन्मदिन की खुशी ना मनाए। अगर कोई मनाना ही चाहता है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो फजूल खर्ची आप मेरे जन्मदिन पे खर्चा करना चाहते हो वो अपने आस पड़ोस और ज़रूरतमंदों में खर्च करें, ताकि अल्लाह इसका अजर आपको भी दे और मुझे भी दे, बिलखुसूस इस महीने का एहतराम करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खबर बेंगलुरु से, फ्रेजर टाउन के बैंकेट हॉल में 6 और 7 अगस्त को अंजुमन तारीख उर्दू हिंद की जानिब से दो रोज का कौमी सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। वो जो है कौमी सेमिनार, दो रोज कौमी सेमिनार बेंगलुरु में मुनक्किद है 6 और 7 अगस्त को। हमारा ये पहला प्रोग्राम जो बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये जो दोनों रोज़ा कौमी सेमिनार हो रहा है बनवान जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तदा इरतखा और मसाइल, मुझे कई माहरीन ने हमें ये बताया कि इस मौजू पे जो है आज़ादी के बाद अब तक जो है कोई सेमिनार नहीं हुआ है। सारे मुल्क भर से जो है महाले निगार, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स जो है अपने अपने महाले 6 और 7 अगस्त को जो है पेश करेंगे। दोनों दिन जो मखाले जो पेश होंगे वो 7 अगस्त की को जो है किताबी शक्ल में भी इंशाल्लाह शाया होगा। खबर कर्नाटका से, आज कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारमैया के जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी जी की जोरदार एंट्री हुई। बेंगलुरु से, जहां अनुसूचित जाति के आरक्षण की सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर वाल्मीकि गुरुपीठ के श्री श्री प्रसन्नानंद स्वामी जी, जो पिछले 175 दिनों से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सत्याग्रह कर रहे हैं। परम पूज्यरु 175 ದಿನಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಬಟಾ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚಳಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಇಸಿ ತರ ಕಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬನೆ ರಹೇ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಔರ್ ದೇಖ್ತೆ ರಹೇ SBR News 24।